आज हम बनाएंगे अंडा मसाला करी। एग और आलू को बॉयल होने के लिए छोड़ दें गैस पर। अंडा मसाला करी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा उबला हुआ अंडा, उबला हुआ आलू, 3 मीडियम साइज के प्याज, 1 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। ग्रेवी के लिए मसाला पीस लें। दो मीडियम साइज प्याज, 1 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। खड़े मसाले में जीरा, धनिया, दालचीनी, तेजपत्ता। सभी चीजों को डालकर एक साथ मिक्सी में पीस लें, फाइन पेस्ट तैयार कर लें। अंडों में फोर्क की मदद से छेद कर लें। छोंकने के लिए प्याज और मिर्च को काट लें। उबला हुआ आलू को भी काट लें। गैस को ऑन कर ले और कढ़ाई उस पर रख दे। कढ़ाई पर सरसों तेल डाल दे। तेल इतना डाले जिससे हमारा अंडा भी फ्राई हो जाए और मसाला भी फ्राई हो जाए। एक बार तेल गर्म हो जाए तो उबले हुए अंडे को डालकर फ्राई कर ले। अंडों के ऊपर 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक डाल दे। अब अंडों को अच्छी तरह से फ्राई कर ले। अब आलू भी इसी तरह से फ्राई कर ले। अंडा और आलू इसी तरह से दिखेंगे फ्राई होने के बाद। वही तेल में जीरा, प्याज, मिर्ची का छोंक दे। दो चुटकी हींग, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर फ्राई करें। जो हमने मसाले पीसे थे वो मसाले अब डाल दें। मसालों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद कुछ पाउडर मसाले भी डाल दें, जैसे 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अंडा। और स्वाद अनुसार नमक को डालकर अच्छे से मिला लें। कढ़ाई को किसी ढक्कन से ढक दे मसाला पकने तक। अब ढक्कन हटाकर 1 चम्मच दही डाल दे। दही डालने के बाद मसाले को मिलाकर अच्छी तरह से चलाएं। मसाला को अच्छी तरह से चलाने के बाद बॉयल किया हुआ आलू को भी डाल दे उसमें। अब मसाले को तब तक भूने जब तक उस मसाले से तेल ना छोड़ दे। मसाला अच्छी तरीके से भून जाने के बाद उस पर गर्म पानी डाल दे जितना ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी में सारे एग को डाल दे और एक बॉयल आने दे। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल दे ग्रेवी में। अब हमारा एग मसाला करी बनकर रेडी है। इसे 15 मिनट के बाद सर्व कर सकते हैं।